और इसी हवाले से जिस गम में वो मुबतला हैं, मैं उसी हवाले से एक शेर पेश करके उन्हें जहमत दूंगा कि नए सफर पे खुदा गम खजीना बन जाए। नए सफर पे खुदा गम खजीना बन जाए, बिछड़ते वक्त का आंसू पसीना बन जाए। नए सफर पे खुदा गम सफीना बन जाए, बिछड़ते वक्त का आंसू पसीना बन जाए। वो जख्म दे तो मैं रोकर दुरूद पढ़ता हूँ और इतनी देर के सीना मदीना बन जाए। वो जख्म दे तो मैं रोकर दुरूद पढ़ता हूँ और इतनी देर के सीना मदीना बन जाए। पाकिस्तान और सात बर्रियाजमों में खतीब के हवाले से अगर कोई मोतबर नामों में नाम लिया जा सकता है तो वो इसी शख्स का नाम है। मुल्तमिस हूँ जनाबे हजरत मौलाना यहया अब्बासी साहब। الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذی اسمه مکتوب فی الانجیل والتوراۃ ارسله اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر وادی بطحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں سبحان اللہ میرے انتہائی وجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام مشائخ اعظام صاحب صدر گرامی قدر جناب ڈاکٹر اختر زمان غوری صاحب اور ہمارے میزبان مکرم مخدوم العلماء محبوب العلماء حضرت مولانا قاری تصور الحق مدنی نور اللہ مرکزہ کے جانشین برادر محترم جناب حافظ ادیب تصور ایڈوکیٹ صاحب جو کہ اپنے والد مرحوم کی اس محنت کو دوا
बख्शे हुए हैं। हम सब की दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें दीन और दुनिया में, दुनिया और आखरत में हर कामयाबी अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत कारी साहब की इस यादगार जामा मस्जिद अली अहले सुन्नत वल जमात मदरसा कासिमुल उलूम जामा मस्जिद तैबा और दीगर उनके जितना भी दीनी रिफाही समाजी काम उन्होंने शुरू किए अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके सदके करवट करवट उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। वक्त इंतहाई मुख्तसर है और चंद मिनट जो मुझे दिए गए, मैं चाहूंगा कि अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल रही तो मैं उन चंद मिनटों में, चूंकि रबीउल अव्वल का माह मुबारक शुरू हो गया है और इस रबीउल अव्वल की बहारों में जिसके नाम से ही खुशबू महकती है कि रबी का माना बहार, अव्वल का माना पहली, तो कायनात के रब ने इसी माह मुकर्रम में ही इशारा कर दिया कि मैं जिस जाते पाक को इस महीने में भेज रहा हूं, जैसे ये महीना दुनिया में पहली बहार है तो वो मेरा महबूब कायनात भी कायनात के लिए बहार है। और मैं कहा करता हूं कि जहां तक बात अल्लाह के पैगंबर की अजमत और सीरत और शानो मकाम, हुजूर अकरम सब कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की, तो मैं अंदाजे फारूकी शहीद रहमतुल्लाह में कहा करता हूं कि ये गुणवान तो इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा बहरे बेकरां है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। चे जाए कोई मेरे जैसा तिफले मकतब, कोई मेरे जैसा तालिबे इल्म, जो कम इल्म, कम उम्र, कम फहम, कम गो, कम तजर्बा कार, वो अल्लाह के नबी की सीरत व मिदत, अजमत व रफत व मरतबत पर क्या लब कुशाई करे, क्या खोशा चीनी करे। जिसके लिए मैं कहा करता हूँ कि जिस तरह एक शायर ने अल्लाह के पैगंबर की सीरत पर पूरी जिंदगी कलाम लिखा और जब उसने लिखने का आगाज किया उम्र 30 बरस, जब वो इख्तिताम करने लगा तो उम्र 70 बरस, जब उसने 40 बरस तक कंटिन्यू मुसलसल अल्लाह के पैगंबर के शानो मकाम पर अल्लाह के नबी की सीरत और अल्लाह के नबी की अजमत और रफत और मनकबत पर वो कलाम लिखता रहा और जब उसकी उम्र 70 बरस की दहलीज पे पहुंची तो उसने एक दिन अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान, अपनी सारी नाते नज़मे गज़लें रुबाइयात किताब और अशआर टेबल पे रखे और अल्लाह के पैगंबर को तसव्वुरात की दुनिया में लाकर मुखातब होकर कहने लगा, हुजूर मैंने पूरी जिंदगी आपकी सीरत पे लिखा, आपकी सूरत पे लिखा, आपकी अजमत पे लिखा, आपकी रफत पे लिखा, आपकी मनकबत पे लिखा, लेकिन अब मेरी समात और बसारत जवाब दे चुकी, मेरी कुव्वत गोयाई लड़खड़ाने लगी, अब मेरी जहानत और मतानत और फतानत जवाब देने लगी, अब मेरे हाथ और पाओ में लर्जा तारी होने लगा, अब मेरे कलम की जुम्बश टूटने लगी, मेरे बरक खत्म होने लगे, मेरी स्याही खुश्क होने लगी, लेकिन हुजूर मैं मरने से पहले एतराफ़े शिकस्त करना चाहता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी लगाकर भी आपकी सीरत का, आपकी सूरत का, आपकी इज्जत का, आपकी अजमत का, आपकी रफत का, आपकी मनकबत का, आपके तकद्दस का, आपके नामूस का, आपकी शरीयत का, आपकी सदाकत का, आपकी अदालत का, आपकी दयानत का, आपकी शुजात का, आपकी शराफत का हक अदा नहीं कर सका, तो उसने जिंदगी का आखिरी शेर लिखते हुए अपने कलाम में रूह डालते हुए कहा, हुजूर थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है कलम है आबला पा, मदा बाकी है वरक तमाम हुआ, मदा बाकी है तमाम उम्र लिखा, मदा बाकी। सुभान अल्लाह। उस पैगंबर का शान और उस नबी का मकाम
और मेरे जैसे तिफले मकतब की गंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो तीस पारों का कुरान। सुभान अल्लाह। जिसके मुंह में हो जबान वो कह दे सुभान। सुभान अल्लाह। उस पैगंबर का शान मैं भी कहा करता हूँ कि कायनात में कोई ऐसी जबान है ही नहीं जो मेरे नबी की अजमत का हक अदा कर सके। क्यों? कि मेरे पैगंबर की सीरत सूरत इज्जत अजमत रफत मनकबत, मेरे पैगंबर का तकद्दस नामूस रिसालत शरीयत सदाकत अदालत दयानत जुर्रत शुजात सखावत मनकबत इफ्फत अजमत रहमत जलाल जवाल कमाल अतवाल आदाब अकवाल अफाल आमाल अनवारात तो जदलियात के खदो खाल बयान करना मेरे और आप में से किसी के बस की बात ही नहीं। जिस तरह मौलाना ताउल्लाह साहब ने बड़े खूबसूरत लम्हात और जुमलों से अपनी बात का आगाज किया के काना फलकुल कुरान के जिस नबी के शान में अलहम्द के अलफ से लेकर वन नास की जीन तक खुदा का कुरान भरा पड़ा हो उसे मैं और आप एक जिंदगी में क्या बयान कर सकते हैं। मैं तो अपने अंदाजे खिताबत में कहा करता हूं कि मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूँ मैं तो सोचो के समंदर में डूब जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ मैं तो मोमबर मोतर हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन शेर सुर्खी ज़ेबे उनवा को पढ़ता हूँ तो मैं सोचो के समंदर में मुस्तगरक हो जाता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी सूरत की इब्तदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी अजमत और रफ़त और मरकबत की इब्तदा कहाँ से करूँ। क्यों? मैंने तो तारीख और सियर के और आग की वरक गर्दानी करके देखा, मैंने तो तारीख और सियर के आइम्मा को पढ़ के देखा, मैंने तो तारीख और सियर की और रिवायात को पढ़ के देखा, मैंने तो कुरान और हदीस में अपने पैगंबर के मकाम को पढ़ के देखा, मैंने तो अपने पैगंबर के फरमान को पढ़ के देखा कि कुंतुन नबियन व आदम बैनल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मट्टी में थे तो फिर बर्मिंगम वालों यूके वालों बर्तानिया वालों मुझे बताओ मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो मट्टी से पहले है पानी से पहले है जमीनों जमान से पहले है मकीनों मकान से पहले है हूरों गिलमां से पहले है हर के कशां से पहले है सारे जहां से पहले। सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर जिंदाबाद। जिसके लिए जिंदाबाद। जिसके लिए जिंदाबाद। आपके कायद मौलाना कासिम ननौती ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था कि सबसे अव्वल मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, मांग कर फिर उसी नक्श से रोशनी बस में कोनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्ने मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी जाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हश्र का डर हो कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो जिसके मेरे मेरा आका है वो मेरा मौला है वो जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। सुभान अल्लाह। वो पैगंबर और उस पैगंबर का शानो मकाम उस नबी की सीरत के जलवे कुछ लोग बेचारे अहमक अर्जल अड़ियल अखबत अश्तन इल्म अमल से तही दस्तो तही दामन कोरे ढोरे भोरे वो कहेंगे कि जनाब ये तो देवबंदी है वहाबी है ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं ये तो नबी को अपना भाई समझते हैं ये तो नबी को अपने बराबर समझते हैं ये तो नबी को अपने जैसा आम बशर कहते हैं। हाँ कि मेरे अली के तेरी सना गुस्ताख किया किथे जालड़िया नबी और तेरे मेरे जैसा हो ही नहीं सकता इट इज इम्पॉसिबल नामुमकिन ई खयालस्तो महालस्तो चलू। क्यों? इसलिए तेरे मेरे और नबी के खमीर में फर्क है कि तू और मैं दुनिया की मट्टी से बने मेरा नबी जन्नत की मट्टी से बना। सुभान अल्लाह। वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं सारी कायनात एक तरफ मोहम्मद की जात एक तरफ कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कि तू और मैं पूरी कायनात में मिलकर अगर उस नबी का मुकाबला ढूंढना चाहे तो मैं कहा करता हूं पहले तो कायनात में कोई ऐसा तराजू ही नहीं कि जिसमें मेरे नबी के शान को तोला जा सके वजन किया जा सके तसव्वुर किया जा सके। लेकिन अगर कोई बज़िद है कि उलमाए देवबंद अहले सुन्नत वल जमात अपनी अंदरूनी कैफियत और अपनी जज्बात का इजहार करो कि तुम नबी को कितना और कैसा मानते हो
तो मैं कहा करता हूँ कि हाँ, फिर अल्लाह की दरबार में चल और उसे मीजान अदल का तराजू मांग, और उस तराजू के दो पलड़ों में से एक पलड़े में सात जमीनें रख, सात आसमान रख, हवा फजा खला का निजाम रख, नबातात जमादात दरिंदे परिंदे चरिंदे इंसान हैवान मलाइक नारी नूरी अर्शी फर्शी सूरज चांद सितारे सयारे नुजुमो कवाकिब शम्सो कमर हद्रो शजर पारो बर शामो सहर नूरो बशर जन्नत हूरो गिल्मो बैतुल्ला बैतुल मुकद्दस बैत इज्जत बैत महबूब लोहो कलम लोहे महफूज सिद्रतुल मुंतहा अर्शे मुअल्ला सारी कायनात उठाकर एक पलड़े में रख, और आमना के दुर्रे यतीम को दूसरे पलड़े में खड़ा कर, मेरा और मेरे अकाबर और अबाए देवबंद का अकीदा है सारी कायनात कम है, मोहम्मद की जात सारी कायनात से ज्यादा है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद देवबंद, देवबंद। वो पैगंबर इतना अरफा आला बरतर बाला अकमल आसम मुकम्मल कामिल अशरफ अफजल अतियब अनवर मुकद्दस मुताहर मुकर्रम मुनव्वर मुअम्मर मुअत्तर बाबरकत बासादत तैयब ताहिर अतहर मुताहर है कि सारी कायनात मिलकर भी मेरे पैगंबर के पाँव के जूते के तलवे की मट्टी के जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। मैं इन्हीं अपनी मालूमात पर अपनी बात खत्म करने चला हूँ, और आखिर में वही कहता हूँ जो कहा करता हूँ कि वसत दिल है बहुत, वसत सहारा कम है, वसत दिल है बहुत, वसत सहारा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह।